अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ तो खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आज का जो जॉब लेके आया हूँ दुबई का होने वाला है। ये जॉब है ये दुबई का है, ठीक है। दुबई में एक कंपनी है, वो बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और जो वीज़ा होगा सारा एम्प्लॉयमेंट होगा, वर्क परमिट वीज़ा होगा। और इसके अंदर बहुत सारा कैटेगरी है, और वर्क परमिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। वीज़ा आने के बाद आप वीज़ा चेक करिए, सब कुछ ओके है तभी पेमेंट देंगे, देना है। इससे फ्रेश चाहिए कि रिटर्न चाहिए, कितना कैटेगरी, क्या क्या कैटेगरी चाहिए, सैलरी क्या रहेगा, उम्र कितना चलेगा, और ड्यूटी क्या होगा, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देगी, और उसके बाद में किस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, किस तरीके से अप्लाई किया जाए, ऑफिस आना पड़ेगा कि एसी होगा, पहले क्या करना है कि हमारा काम हो जाए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो और दुबई का जॉब सर्च कर रहे हो, दुबई जाना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से पूरी डिटेल को समझ लो। जब जाना होगा तो जिस तरीके से बताऊंगा उसी हिसाब से आप कॉन्टेक्ट करिए, फ़ोन ना करिए। आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप पर डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है वैकेंसी का नाम बता के। फ़ोन बहुत सारा आता है इसलिए रिसीव नहीं हो पाता है, सबको जवाब नहीं दे मिलता है, व्हाट्सअप पर रिप्लाई नहीं दे मिलता है जिसका। अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पर मैसेज करोगे वैकेंसी का स्क्रीनशॉट लेके कि मैंने ये देखा हूँ, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ, तो आपको जरूर फोन भी आएगा, आपको डायरेक्ट सपोर्ट भी किया जाएगा, जो पूछोगे वो सारा चीज़ बताया जाएगा। क्योंकि जो पूछने पाछने वाले जो फोन करते हैं उनको जब वीडियो बना दियो, वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि हमने वीडियो के अंदर सारा डिटेल आप लोग को बता दो, ठीक है। तो इसके अंदर हम आपको इसी बताते चलते हैं। मेसन टाइल और ब्लॉक प्लास्टर मेसन चाहिए, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, वेल्डर, स्काफ होल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और हेल्पर। हेल्पर भी जो होगा टेक्नीशियन ही हेल्पर होगा, जो इसी ने इन्हीं लोग के कारीगर के साथ में काम करना है। तो अगर आप लोग हेल्पर कैटेगरी का भी जॉब सर्च कर रहे हो और कोई भी काम आपको नहीं पता है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडिया में कोई भी काम सीखने जाते हो तो यहाँ सीख नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का उम्र होता है, तो आप लोग कोई इन्हीं लोग के साथ में अगर जाते हैं ना, तो वहाँ पर 2 साल आप बिता के आएंगे तो आप फुल कारीगर हो जाएंगे। दोबारा फिर कोई भी दूसरी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वही काम में आप जा सकते हैं कारीगर बन के, आपका सैलरी भी अच्छा मिल जाएगा, यानी आपका एक सफर भी अच्छा कट जाएगा और आप कारीगर होके भी आ जाएंगे। तो क्योंकि बाहर में उन्हीं लोग, विदेश में वही आदमी जाए जिसको ज़्यादा फायदा होता है, तो कोई भी काम हुनर सीख के जाता है। तो वीडियो हम सारा डिटेल बताते चलेंगे, आप लोग अगर आप जाना चाहते हैं चाहे फ्रेश रिटर्न कोई भी हो। और इसके अंदर उम्र भी आपको हम बताते चलते हैं कि 20 साल अगर आपका पूरा हो गया है तो 20 से 40 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अच्छे से समझ लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ पर भी आप फॉलो करके रखेंगे, क्योंकि अभी व्हाट्सएप पर भी चैनल बन रहा है, ठीक है। तो चैनल वहाँ पर भी हमारा है, सेम नाम से सेम डीपी लगा हुआ है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद में क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली हमारा चैनल दिखाएगा। आप उसको फॉलो का बटन आएगा फॉलो करके, और उसके बाद में आइकन बटन होगा, बेल बटन घंटी वाला, उस पर क्लिक कर लेना, तो जितना भी वैकेंसी हम अपडेट करेंगे आपको व्हाट्सएप पर ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनी है ये वर्क परमिट वीज़ा देगा, ठीक है, कोई भी विजिट वाला सिस्टम नहीं रहेगा। इसको चाहिए मेसन टाइल मेसन और ब्लॉक प्लास्टर मेसन, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। जिसकी सैलरी कंपनी दे रहा है 1250 दिनार, वहाँ पे दिनार चलता है, ठीक है। उसके बाद में शटरिंग कारपेंटर का भी सैलरी लगाया है 1200, शटरिंग कारपेंटर का सैलरी लगाया है 1225 दिनार, ठीक है। स्टील फिक्सर का सैलरी कंपनी ने लगाया है 1225 दिनार, और वेल्डर का सैलरी लगाया है कंपनी ने 1225 दिनार, और स्काफ होल्डर का भी सैलरी लगाया हुआ है कंपनी ने 1300 दिनार, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन का सैलरी कंपनी ने लगाया हुआ है 1350 दिरहम, वहाँ पे दिरहम चलता है दुबई में, दिनार जो चलता है कुवैत में, ठीक है। तो और इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का सेम सैलरी है 1350, यानी 1350 दिरहम है। उसके बाद में जो हेल्पर है, हेल्पर जो इन्हीं लोग के साथ में काम करेंगे, हेल्पर का सैलरी 1050 दिरहम है, ठीक है। और उसके बाद में ड्यूटी 10 घंटा है, 1 घंटा लंच निकाल के 9 घंटा फिक्स ओवर, मतलब ड्यूटी करना है, और 2 से 3 घंटा फिक्स ओवर टाइम है, क्योंकि ये सारे लाइन में ओवर काम 24 घंटा चलता है, ठीक है। तो ओवर टाइम फिक्स है, कोई पूछने ही नहीं है कि ओवर टाइम चलेगा कि नहीं चलेगा। हफ्ते दिन एक छुट्टी मिलेगा, इमराती साइडिंग, रूम, इकामा, जो भी जितना भी फैसिलिटी होती है सब कंपनी देगी। ये 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल एग्रीमेंट पूरा करके जब इंडिया आएंगे तो आपको आने जाने का टिकट मिलेगा। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए फ्रेशर और रिटर्नर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर टेक्नीशियन बंदे हैं, डॉक्यूमेंट किस तरीके से रेडी करना है पहले आप बात सुन लो।
आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट, टेस्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको कंप्यूटर दुकान पे, और वहाँ से एक अच्छे से CV बनवाना है, प्रोफेशनल डालना है जो भी आप काम करते हो, पासपोर्ट आगे पीछे स्कैन कर लेना है, आपके पास में अगर कोई भी टेस्ट सर्टिफिकेट है ISA ने तो ABC का तो वो भी स्कैन कराने लाना है, एक्सपीरियंस लेटर है तो भी स्कैन करा लेना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आप कहीं से रिटर्न हैं तो वीजा लगा होगा पासपोर्ट पे वो स्कैन कर लेना है, और जो भी कंट्री में काम करे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर है तो भी स्कैन कर लेना है, ठीक है। और कोई भी एक्सपीरियंस और कोई भी टेस्ट सर्टिफिकेट आप लोग के पास नहीं है तो काम करते हुए वीडियो बनाना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन करके PDF बना के और एक वीडियो बनाना है, वीडियो जो भी काम करते हो, और काम करते हुए डायरेक्ट नहीं बनाना है, जिसको जो भी वीडियो आपका शूट करेगा उसको बता देना है कि मतलब आप पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, मेरा नाम ये है और मैं प्लम्बर हूँ या इलेक्ट्रीशियन हूँ या स्टील फिक्सर हूँ या मेसन हूँ, इतना साल से हम काम कर रहे हैं और इस काम में इतना साल से हम काम कर रहे हैं और अभी हम ये काम करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपना काम हम करो, इस तरीके से अच्छे से वीडियो बना लो, वीडियो के साथ में और डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेजना है, और हेल्पर को कुछ भी नहीं है, खाली फोटो और पासपोर्ट आगे पीछे PDF फॉर्मेट बना के भेजना है, डॉक्यूमेंट आपका व्हाट्सअप करना है, स्क्रीन शॉट लेना है कि मैंने ये वैकेंसी देखा है और इसके लिए ये डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आपका डॉक्यूमेंट आएगा सारा चीज़ ओके है तो आपको पहले ये बता दिया जाएगा कि इसमें खर्चा कितना जाएगा, पहले यानी कोई भी आपसे काम करवाने से पहले आपको खर्चा बता दिया जाएगा, अगर आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम इसमें जाना चाह रहे हैं तो आगे का फिर प्रोसेस बताया जाएगा कि आगे किस तरीका से मेडिकल होगा, कहाँ पासपोर्ट जमा होगा, कैसे मिलना है, कैसे मिलाना है, ये सारा होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है, ये सब कहानी चालू होगा। और आप लोग कहानी पहले चालू करते हैं कैसे मिलना है, कैसे मिलाना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सबसे हम बैठ के मिले, फ़ोन उठाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है, आप खाली ये सोच रहे होंगे यार खाली हमारा बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन उठाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम वीडियो बनाने का ही हमारा मकसद है कि हम बहुत सारे लोग हैं कि जो हम सबसे बराबर बात नहीं कर पाते हैं, तो हम वीडियो के जरिए आपको सारा वैकेंसी बता देते हैं। अब आपको अगर जाना है तो जिस तरीका से सिस्टम भी बताते हैं आपको, इस तरीका से करिए, कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं दे रही, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो जिस तरीके से बताया गया उस हिसाब से जाके अपना डॉक्यूमेंट रेडी करो, उसके बाद दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपने जॉब को प्रोसेस कर सकते हैं। और कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और वह अपना व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाइए आप लोग, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया हूँ। फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट जॉब के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।